सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। एक्चुअली ये मिनी ब्लॉग होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो को शूट करते समय ध्यान नहीं रख पाए और हमारा माइक जो है कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया साउंड, तो मैं इसमें वॉइस ओवर करके एक मिनी ब्लॉग के तरह ये आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं रोसड़ा कुछ सामानों को खरीदने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो रोसड़ा पहुंच के वहां पे एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं और कैश विड्रॉ करने के बाद उसके बाहर ही एक सब्जी वाली रहती है जहां से हम लोग यूजुअली जब भी वहां जाते हैं तो सब्जी ले ही लेते हैं। तो यहां से हम लोगों ने कुछ सब्जियां ली और उसके बाद हम लोग आगे चले। तो आगे हम लोगों ने एक कपड़े की दुकान से प्रकाश यानी टुन्ना जी के लिए सॉक्स खरीदा और उसके बाद जब हम लोग चले तो टुन्ना जी ने बोला कि हमको एक फ्लैग चाहिए क्योंकि अभी हम लोग का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तो एक दुकान पर रुक करके उनके लिए हम लोग ने फ्लैग लिया और उसके बाद फिर आगे चले। उसके बाद आगे जाने के बाद हम लोग उनके लिए बैग लेना था तो एक बैग के दुकान पे रुके, उसके बाद वहाँ से बैग लेके वहाँ से पेमेंट किया उनको और फिर हम लोग वहाँ से चले घर के लिए। एज यूजुअली टुन्ना को इस बार भी मार्केट आने के बाद भूख लग गया, वो बोला हमको खाना खाना है। तो हम लोग एक होटल में रुके जहाँ पे हमारे गाँव के ही एक अंकल है वो रहते हैं, तो उन्हीं के होटल में हम लोग रुक के और खाना ऑर्डर किए जिसमें कि हम लोगों ने समोसा और उसका छोला और चटनी ये तीन चीज़ मंगवाया और हम लोग खा के घर के लिए निकल पड़े। तो लास्टली हम लोग शॉपिंग करने के बाद घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद टुन्ना अपना झंडा निकाल के उसको चेक करता है कहीं से फटा वटा है भी डिफेक्ट है भी, और उसके बाद झंडा के साथ थोड़ी देर के लिए खेलता है। और लास्टली हम लोग इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग हमको कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।